हेलो, वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। आ जाइए फटाफट से लाइव। हेलो, वेलकम। एम आई ऑडिबल? ग्रुप में शेयर कर दीजिए कोई प्लीज, कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हेलो कुंदा जी, एम आई ऑडिबल कुंदा जी? और वीडियो क्लियर है ना? आज हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं ना। आज हम लोग डिकोपेज का वर्क करेंगे। आप लोगों में से ही कुछ की फरमाइश थी डिकोपेज की, तो आज हम वही लेकर आएंगे। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक तो हम लोग जो डिकोपेज नैपकिन्स होते हैं उसके साथ हम लोग वर्क करते हैं स्टार्टिंग में। ओके, थैंक यू कुंदा जी। स्टार्टिंग में अगर आप डिकोपेज नैपकिन्स नहीं भी यूज करना चाहते तो आप लोग कुछ जैसे मैगजीन्स में से कोई अच्छी आपको कोई पिक लग रही है वो, या न्यूज़पेपर्स में से, मैं आपको दिखाऊंगी उनमें से भी मैंने कुछ वर्क किया हुआ है, कुछ कटिंग्स भी रखी हुई है न्यूज़पेपर की, जैसे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोग उसके साथ भी डिकोपेज वर्क कर सकते हैं ना। थोड़े से लोग और ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमें जो मटेरियल चाहिए वो मेनली वही है कि डिकोपेज नैपकिन है। आप चाहे वो कोई कटिंग की हुई है, या आपने प्रिंट आउट निकलवाया है, या आप नैपकिन्स जो आते हैं स्पेशली डिकोपेज के लिए वो, देन इसमें हमें आप जैसो भी कर सकते हो अगर किसी चीज के ऊपर, बेस के ऊपर, या आप सीधा कलर के भी दो कोट्स कर सकते हो, ठीक है। देन हम लोग उसमें यूज होता है मॉडपॉज। मॉडपॉज भी हम अपना DIY ही यूज करेंगे, फेविकॉल से बनाएंगे हम लोग मॉडपॉज अपना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बस यही दो तीन चीजें होती जिनके साथ हम लोग डेकोपैच जो है वर्क कर लेते हैं। बाकी जो स्पेस बचता है उस पर हम अपने नैपकिन के हिसाब से या अपने पिक्चर के हिसाब से जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ कलरिंग वगैरह हमने करनी होती है ना। मैं कुछ आपको अपना वर्क दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी प्लेट थी। मेरा एक डिनर सेट वेस्ट हो गया था तो उससे मैंने ये अपना प्लेट पर ये डिकोपेज नैपकिन लगा के, और कुछ मैंने थोड़ा सा हैंड के साथ पेंट किया साथ में उसके जैसा ही, जहां पर जिस चीज की जरूरत लग रही थी। जैसे यहाँ पर ये ट्री मैंने बनाया है, ऊपर थोड़ा सा स्काई का कलर था, ये ऊपर तक स्काई बनाया है ना। थोड़े थोड़े यहाँ फ्लावर्स और ये ग्रीनरी ऐड की, ठीक है। जैसे ये भी डिकोपेज से है, और ये मेरी जो हमारी डिनर प्लेट्स होती हैं ये वो है। एक ये है, ये मैंने नेपकिन्स यूज किए हुए हैं। इस पर जो डिकोपेज वर्क है वो नेपकिन के साथ है, ठीक है। जो डिकोपेज नेपकिन्स हम मार्केट से लेते हैं ये वो है। हेलो सुमिन्ना जी, ये डिकोपेज नेपकिन्स के साथ है मेरी जो डिनर सेट की, जो प्लेट्स, जो हमारा डिनर सेट जैसे वेस्ट हो जाता है ना, तो उसके साथ बनाई हुई, उसके ऊपर मैंने वर्क किया हुआ है प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। देन मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये इस तरह से आपको पता नहीं नजर आ रही कि नहीं, इस तरह के कार्टून वगैरह न्यूज़पेपर में आते हैं ना, तो ये भी मैंने न्यूज़पेपर में से ही कटिंग की थी। शायद कलर ये दिख रहा हो आपको, और बाकी मैंने उसके जैसा ही कलर सेम करके बॉटल रेडी की थी। आप जैसे अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए, किसी को गिफ्ट करना हो तब भी आप बना सकते हो। इसी तरह से ये एक बुद्धा का छोटा सा पिक आया था न्यूज़पेपर में। हाय श्रेया जी, तो ये मैंने बुद्धा का पिक बना के और नीचे एक स्टोन सा बनाया, कलर के साथ ही है, और साइड पर मैंने ये जो हमारे वो होते हैं, आउट ऑफ माइंड हो जाता है, ट्री की, वो पाम ट्रीज की जो वो होती हैं वो बना दिया है ना। उसके साथ देखो लुक, ये मैंने न्यूज़पेपर में से कटिंग करके उसका किया है, ठीक है। तो डिकोपैच डजंट मीन कि आपको सिर्फ आप वही यूज कर सकते हो। ये देखिए, मैंने एक ये बॉटल बनाई थी लाइटिंग के साथ। इसमें भी अगर आप देखोगे तो मैंने ये जो सेंटर में,
ये एक पिक थी राधा कृष्णा की न्यूज़पेपर में ही, राधा कृष्णा है बने हुए, तो मैंने वो बना करके और साइड पर कलरिंग करके और उसमें से थोड़ा थोड़ा कलर निकाल के और इस तरह से मैंने ये बॉटल बनाई थी। श्वेता जी क्या लीव्स क्या? हाँ, और मेरा बहुत मेरा एक्चुअली, हाँ ये देखिए पीछे, ये मैंने एक सेट बनाया था प्लेट का और बॉटल का, ये भी डिकोपेड नैपकिन के साथ ही बनाया हुआ है। हेलो तन्वी जी, ये बॉटल और प्लेट का एक सेट था, ठीक है, ये भी मैंने डिकोपेड जो नैपकिन्स हैं, हाँ जी हाँ हाँ ओके सौम्या जी थैंक यू। आप लोग, मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो आप लोग बोल रहे हो उसको हम लेके आऊं मैं। नेक्स्ट ये देखिए एक और, अभी जो हमने मैंने आप लोगों को प्लेट के ऊपर दिखाया था ना, एक मिनट, ये प्लेट के ऊपर दिखाया था आपको वर्क, देखिए सेम मैंने, सेम नैपकिन मैंने बॉटल के ऊपर यूज किया, जो हमने प्लेट के ऊपर यूज किया था वही मैंने बॉटल के ऊपर भी यूज किया हुआ नैपकिन। इसमें मैंने अगेन कुछ एडिशंस की थी। हाय कुमकुम जी वेलकम ऑल, प्लीज वीडियो को शेयर कर देना आप लोग। ये बीच में मैंने अपना कलर वगैरह ऐड करके उसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस तरह से डिकोपेज का जो वर्क है वो बहुत तरह से आप कर सकते हो। एक ये हमारा एक लास्ट दिखा रही हूँ, उसके बाद हम वर्क स्टार्ट करते हैं। हाय नेहा जी, ये मैंने रोप बॉटल के ऊपर रोप लगा के और रोप के ऊपर ये डिकोपेज नैपकिन जो है ये लगाया हुआ है, ठीक है। ये नैपकिन इतना ही था, तो इसके आगे मैंने जो नैपकिन में कलर्स थे सेम कलर्स के साथ हमने पीछे से उसको कलर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनके साथ आप डिकोपेज कर सकते हो, और उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि डिकोपेज नैपकिन ही चाहिए। आप प्रिंट आउट, अपनी पसंद का प्रिंट आउट जो आप चाहते हो आप वो निकलवा के उसके साथ कर सकते हो। आप मैगजीन्स में से कोई आपको पिक अच्छी लगती है उसकी कटिंग करके, आप न्यूज़पेपर में से, ये देखिए मैं आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ, मैंने न्यूज़पेपर्स में से, मैं थोड़ा सा कैमरा डाउन करूं, ये देखिए मुझे जो पिक अच्छी लगती है, जैसे ये देखिए एक, ये शायद किसी ज्वेलरी का वो था न्यूज़पेपर में ऐड, इसमें अगेन राधा कृष्णा जी बने हुए हैं, और इसको आप लोग किसी भी तरह से बॉटल के ऊपर आप इसको स्टिक करके उसके आसपास कुछ अपनी चॉइस का कुछ वो दे करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि, लाइट कम लग रही है आज ना, थोड़ा इसकी सेटिंग चेंज हुई, एक मिनट, अब देखिए ठीक है। एक्चुअली वो सामने से लाइट ना भेजिए इसमें, हाँ जी आप चलो तो चलो, ठीक है इस तरह से। अब ठीक है श्वेता जी, इस तरह से आपके पास कुछ भी, ये देखिए मैंने काफी कुछ कटिंग्स की हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये देखिए वैसे मैंने जस्ट मुझे जो चीज अच्छी लगती है, मेरे पास ये बॉटल है, मैं इसके ऊपर इसको स्टिक करके, है ना, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं। इस तरह से ये बॉर्डर था किसी न्यूज़पेपर में, तो इसको अभी अच्छे से कटिंग नहीं की हुई, अगर मैं इसको किसी चीज पर लगाना चाहूँ तो मैं इसको नीचे बॉर्डर दे सकती हूँ, तो आप दो तीन तरह से इस तरह से इसको, ये देखो, यूज कर सकते हो। तो आप इस तरह से ध्यान रखा कीजिए कि कोई भी आपको कोई चीज, ये देखिए है ना, तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी, ये इसमें थोड़ी सी ही पड़ी हुई है, ये देखिए इस तरह से ये न्यूज़पेपर में जैसे ये कटिंग्स हैं, तो इसको अभी आप, अभी मैंने छोटा छोटा कट करके रखा हुआ है, आप इसको प्रॉपर कट करके अपने वर्क पर कहीं पर भी इसको स्टिक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अब ये, अब ये थे हमारे न्यूज़पेपर के, अभी मैं आपको डिकोपेज नैपकिन्स भी थोड़े से दिखा देती हूँ, आज हम ये वाला यूज करेंगे नैपकिन, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने आपको रेड दिखाया था ना इसके साथ का, है ना,
ये एलिफेंट वाला भी दिखाया था आप लोगों को, तो इस तरह से ये लीव्स हैं, इसमें सिर्फ लीव्स हैं। तो इस तरह से ये डिकोपैक जो नेपकिन होता है इसमें ये फोर पार्ट्स में होते, इसके फोर पीसेस होते हैं। आप इसको चाहे फुल यूज कर लो, चाहे कट करके बीच में से यूज कर लो। ये टू टायर थ्री टायर नेपकिन होते हैं। टू टायर थ्री टायर मीन्स इसके पीछे लेयर्स होती हैं जिनको आप खोते, जैसे ये इसके पीछे ये टू लेयर्स और है ना, तो इनको हम निकालेंगे जब हम इसको स्टिक करेंगे, ठीक है। वैसे आप में से बहुत से लोगों को बहुत कुछ पता होगा, बट मैं इसलिए शुरू से बता रही हूँ ताकि अगर कोई ऐसा है जिसने डिकोपैच अभी तक बिल्कुल नहीं किया है तो उसकी सब चीजें, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं उसके माइंड में, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरह से हमारे ये बहुत से डिकोपैच नैपकिन जो है मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। ये बुद्धा का है नैपकिन इस तरह से। मेरे को न्यूज़पेपर में भी जो भी कोई कटिंग अच्छी लगती है वो भी मैं कट करके रख लेती हूँ। इसी तरह से आप मिक्स मीडिया भी जब करते हो तो उसमें भी इन पिक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने वर्क पे। ये बॉटल पेपर से एक ऑलरेडी की हुई थी तो मैंने यही रख ली। मैं अभी आपको ये कैसे रेडी करनी है वो भी पहले बता दूं, छोटी बॉटल पे करके दिखाऊंगी ताकि जल्दी हो जाए। आपने कोई भी बॉटल लेनी है, बॉटल प्लेट या आप किसी इवन कार्डबोर्ड पे भी अगर करना चाहो उसका बेस बना के उसके ऊपर आप कर लो, आप वुडन बेस के ऊपर कर लो, कोई भी बेस, जो भी बेस पे आप करना चाहते हो, कोई बोल है कांच का उसके ऊपर करना है, किसी भी चीज के ऊपर, कोई ट्रे है आपकी पुरानी ट्रे है जैसे उसके ऊपर आप करना चाहते हो। सत श्री अकाल जी, प्रकाश कौर जी की हाल है, ठीक है। तो आप कोई भी बेस यूज कर सकते हो, तो ये बेस आप जिस भी चीज पर, मैं इस टाइम बॉटल पे करके दिखा रही हूं, बट आप कोई भी बेस ले सकते हो, किसी भी चीज पर आप ये जो प्रोसेस है ये कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बॉटल लेनी है, उसको अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर, अब आप लोग या इधर जैसो यूज कर लो, नहीं अगर उसके ऊपर आप लोग वो करते हो क्या कहते हैं, या फिर आप जैसो कर लो, ठीक है। सीधा डायरेक्ट कलर, मैं वैसे कभी डायरेक्ट कलर में कम ही करती हूँ, मैं ज्यादा जैसो यूज करती हूँ नीचे, वो भी अपना होममेड जैसो, जैसे हमने रोज फ्लावर्स में बनाया था ना ब्लैक वाला, उसी टाइप से 2:1:1 की रेशो, 2 एनी पाउडर, 1 था हमारा फेविकॉल एंड 1 था हमारा, हाँ चौक पेंट्स भी कर सकते हो। चौक पेंट्स एक्चुअली वही है कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है जो हम मार्केट से लेते हैं ना, तो इसलिए हम DIY में थोड़ा सा मतलब बता देते हैं कि हाँ जी चौक पेंट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चौक पेंट में आप सिर्फ पाउडर और कलर को मिक्स करते हो, जैसो में आप थोड़ा सा फेविकॉल भी मिक्स करते हो, 2:1:1 की रेशो होती है, ठीक है। 2 हमारा पाउडर होता है, 1 हमारा कलर होता है और 1 हमारा फेविकॉल, तो इस रेशो में आप तीनों को मिक्स करके आप उसको नीचे बेस में कर दो। इसमें मैंने वही किया हुआ था बट मैंने इसको थोड़ा सा वो ग्रेन्स आप नजर आ रहे होंगे इसमें शायद, तो मैंने ये किसी और वर्क के लिए रखी थी तो अभी मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं रेडी करके रख सकूं, तो मैं इसी को ही यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप जैसे यूज करो फिर कलर नहीं उतरेगा। मैं भी डायरेक्ट जो कलर करते हैं ना हम, वो मैं कम ही करती हूँ, मैं हमेशा इस तरह से बीच में थोड़ा सा पाउडर का बेस देके, जैसे चौक पेंट कह रहे हैं प्रकाश कौर जी उस तरह से भी, या आप थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स कर लोगे तो वो जैसो का रोल प्ले कर देगा, तो उसका बेस नीचे कर देना, ठीक है। जैसे एक बार बना के बताऊं आप लोगों को, जैसे हमने ब्लैक वाला बनाया था ना सेम कैसे ही। हाय अमिता जी, मैं ये 1 स्पून इसको मैं पूरे ही कवर कर दूंगी, 2 स्पून मैंने पाउडर लिए इसमें, ठीक है। 1 स्पून मैं इसमें लूंगी, मैं स्पून दूसरा ले लूंगी, वो मेरा पाउडर वाला है, ये मैं हाफ ही लूंगी क्योंकि वो स्पून मेरा छोटा है। 2 स्पून पाउडर लिए तो 1 स्पून मैं फेविकॉल ले रही हूं और इसमें हम 1 स्पून डालेंगे कलर। कलर आपने जो भी बेस में करना है डिकोपैच में, अब जैसे इस नैपकिन में मेरा बेस आप देख रहे हो व्हाइट है, पाउडर टेलकम पाउडर, बेबी पाउडर, कोई भी जो भी है आपके पास आप वो यूज कर सकते हो। आप पाउडर की जगह आप कुछ और भी, पुट्टी भी यूज कर सकते हो, आप POP भी यूज कर सकते हो, आप मार्बल पाउडर है तो वो भी यूज कर सकते हो, एनी पाउडर, हमें कोई पाउडर चाहिए बस, ठीक है। अब इसका मेरा बेस व्हाइट है तो मैं इसको व्हाइट ही रखूंगी।
अगर आपका इसका बेस थोड़ा सा कोई और कलर है, मान लीजिए लाइट येलो है, ग्रीन है, तो आप अपने जैसों में भी वो कलर मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसमें 2 स्पून डाले थे पाउडर के, 1 स्पून मैंने डाला है फेविकॉल एंड 1 स्पून मैं इसमें डालूंगी कलर का। व्हाइट में मिक्स कर रही हूं क्योंकि मुझे व्हाइट बेस लेना है। हेलो सुदेश जी, इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये थिक है तो आप इसमें हल्का सा पानी मिक्स कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा पानी नहीं करना, हल्का सा हम इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। अब मुझे ये थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं हल्का सा इसमें जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ही मैंने हाथ से ही देखो आपके सामने डाले हैं, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। इसकी थिकनेस आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करना है, ग्रेन्यूल्स ना रहे इसके बीच में, क्योंकि जब हम डिको पैच करते हैं तो नैपकिन बहुत पतला होता है। इसको लगाते हुए क्या होता है, वेलकम संगीता जी, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसको लगाते हुए क्या होता है कि नैपकिन फटने का डर रहता है ना, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि बीच में ग्रेन्यूल्स ना रहे। अब इसको अप्लाई करने के अगेन 2 मेथड्स हैं, आप लोग ब्रश भी यूज कर सकते हो और स्पॉन्ज भी। मैं मोस्टली स्पॉन्ज यूज करती हूँ क्योंकि स्पॉन्ज के साथ एक नीचे टेक्सचर भी आ जाता है, ब्रश से एक लाइनिंग आ जाती है ना, तो आप अगर चाहो तो फर्स्ट कोट ब्रश से कर दो, देन आप स्पॉन्ज से कर दो, 2 कोट से बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो कोशिश कीजिए कि 2 कोट ही करें। मैं थोड़ा सा स्पॉन्ज ले रही हूं, ठीक है, ये मेरा जैसे रेडी है। अब मैं इसको, मैंने ये लिया, इससे आपका जो कलर स्क्रैच कह रहे हो ना कि हो जाता है, वो नहीं होगा, वो अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाएगा। इस तरह से आपने पूरी बॉटल को करना है। ठीक है, 2 कोट करेंगे हम। अगर आपको फिर भी लगता है कि प्रॉपर वाइट नहीं हुआ है तो आप क्या करना, जितने में हमने नैपकिन लगाना है ना, जितने एरिया में आपने नैपकिन लगाना है, ऊपर से 1 कोट बेशक वाइट कलर का भी कर देना। ठीक है, ये ड्राई होगा 2nd कोट उसके बाद। इस तरह से आप स्पॉन्ज के साथ पूरा डैब करके पूरी बॉटल को हमने कवर करना है, नीचे बेस से भी करना है, वो भी मेरी ऐसे ही पड़ी हुई है, तब से देखिए बेस किया नहीं हुआ, इसको मैं बाद में कर दूंगी। ठीक है, 1 कोट हो गया, जब ये ड्राई हो जाएगा, थैंक यू अभिता जी, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर आपने इस पर सेम इसी जैसो के साथ आपने 2nd कोट भी करना है। ये हिरल जी, मैंने जैसो बनाया है DIY, इसमें मैंने 2 स्पून पाउडर के मिलाए हैं, उसमें 1 स्पून मैंने फेविकॉल MR एंड 1 स्पून कलर, जो भी आप जिस भी कलर का जैसो बनाना है, जैसे मैंने व्हाइट लगाया है तो मैंने 1 स्पून व्हाइट कलर का लगाया है, डाला है। ठीक है, उसको मिक्स करके और उस पर हमने 1 कोट अप्लाई कर दिया है, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इस पर 2nd कोट करेंगे। उसको भी 100% ड्राई होने के बाद फिर हम लोग अपना डिकोपेज वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक का? हेलो प्रिया जी, ये हमारी बॉटल ड्राई हो चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग ये वाला नैपकिन यूज करेंगे। अब जब भी आप नैपकिन को यूज करते हो, कभी भी हम जो ये नैपकिन होता है इसको कट करके सीजर से कट नहीं करते। अभी तो मैं इसको, पहले मुझे जितना चाहिए मैं उतना इसको अलग कर लूं, 1 मिनट, उसको बेशक आप सीजर से कर लो। अगेन ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा नैपकिन एक जगह पर लगाना है। हाँ जी हाँ जी, रेडी जैसो भी आप ले सकते हो, बिल्कुल। जैसे इसमें मैंने क्या किया है,
इस प्लेट में मैंने क्या किया था, मैंने जैसे एक ये फ्लावर लगाया हुआ है, यहाँ पर एक फ्लावर अलग से कट करके लगाया है, ये फ्लावर अलग से और ये दोनों अलग से हैं। ये नैपकिन में से मैंने कट कट कर करके इनको अटैच किया था। तो जरूरी नहीं है कि आपने इसे पूरा का पूरा ही इसको स्टिक करना है, आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद है आप वैसा कर सकते हो। मान लो अगर आपको यहां से सिर्फ ये इतना ही पार्ट लेना है, आप किसी जगह पर लगा रहे हो, आपको ये इतना ही पार्ट लेना है ना, तो आप क्या करोगे, हमने जीरो नंबर ब्रश लेना है, मोटा ब्रश नहीं लेना है, जीरो नंबर ब्रश लोगे या कोई भी पतला ब्रश आप ले लेना, राउंड ब्रश पतला, उसको हम हल्का सा वाटर में डिप करेंगे। आपको ये क्लियर है, मेरा वर्क स्पेस दिख रहा है यहां पर? सौम्या जी, मैंने जैसे आपको होममेड बता दिया, आप वो होममेड जैसे यूज कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट कलर कर लीजिए। उसमें सिर्फ पाउडर ही हमने मिक्स किया है, कलर और फेविकॉल तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, है ना। जैसे मैं लो, मैंने इतना पार्ट अगर मैंने इसको अटैच करना है तो मैं इसको वाटर में हल्का सा डिप करूंगी और मैं इसको यहां पर ब्रश के साथ वाटर के साथ वेट करूंगी और उसको अलग कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको पूरा ही यूज कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा हमें ये जो कटिंग्स है ना, ये स्ट्रेट कटिंग्स नहीं रखनी होती, इसको मैं क्या करूंगी, हल्का सा कॉर्नर से वेट करके, ये मुझे एक्स्ट्रा वाइट जो है वो भी नहीं चाहिए, तो मैं इस तरह से वेट करूंगी इसको, जहां जहां से मुझे नहीं चाहिए मैं उतना रिमूव करूंगी। ये देखिए इस तरह से वेट। अगर वर्क स्टेशन क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, फिर मैं थोड़ा और देखूं उसको कैमरा को डाउन करके, अगर क्लियर है तो ठीक है। थोड़ा सा हमें जो वर्क चाहिए ना उससे हमने थोड़ा सा, क्योंकि जब आप एकदम इसको टच करते हो पेपर को तो वो पानी एकदम फैलता है, तो आपने जैसे अगर मेरा ये फ्लावर यहां पर है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर टच करा रही हूँ, फिर भी ये यहां तक फैल के आ गया वॉटर, ठीक है। और हमने इसको बहुत ध्यान से बहुत स्लोली इसको हमने इस तरह से पीछे से, अभी हमने देखो लेयर नहीं उतारी है, ठीक है। वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। ओके थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सो मच, रिप्लाई कर दिया करो बस, बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी पता लग जाता है कि हाँ आपको क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग अमिता जी। इसको मैं इस तरह से, जितना भी मुझे ये व्हाइट वाला पार्ट है जो नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर रही हूं। ये थोड़ा अनइवन ही अच्छा लगता है इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से मैं साइड से भी थोड़ा थोड़ा सा करूंगी, हल्का सा इसको वेट करके कॉर्नर्स को मैं हल्का सा वेट करूंगी क्योंकि मुझे ये स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए। चारों तरफ मैं इसको हल्का सा वेट करके और उसको रिमूव कर दूंगी। आप बिना वेट किए भी कर सकते हो लेकिन वेट करके थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं सारी तरफ से इसको इसी तरह से बिल्कुल हल्का हल्का देखो मैं निकाल रही हूं, जस्ट इसको हमें एक अनइवन लुक देनी है क्योंकि हमने ऐसा नहीं दिखाना है कि यहां हमने पेपर को स्टिक किया है। इस साइड वाइट नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, वहां से हल्का सा पेपर को रिमूव कर रही हूँ, एक नेचुरल जो लुक होती है ना उसके लिए। अगर आप ना चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे थोड़ा सा इस तरह से अनइवन जो होती है लुक वो ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं जब भी यूज करती हूँ नैपकिन तो मैं इस तरह से जो साइड मुझे चाहिए भी उस साइड से भी मैं हल्का हल्का जरूर रिमूव करती हूँ।
चलिए अब ये हमारा हो गया नैपकिन रेडी। ठीक है, ये हमारा नैपकिन मैंने सारी साइड से क्या किया है, हल्का हल्का सा मैंने रिमूव कर दिया है। अब हमें चाहिए इसको स्टिक करने के लिए मॉड पॉज, या तो आप मॉड पॉज मार्केट से ले सकते हो। अगेन अगर वो भी हम अपना होममेड यूज करना चाहते हैं तो आज हम यहाँ पर होममेड मॉड पॉज ही यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 50% वाटर एंड 50% हमारा फेविकोल MR। ठीक है, ये दोनों चीजें 50-50 में यूज होती हैं। मैं अंदाजे से ही डाली हूँ कि यहाँ पर इस टाइम मेरे पास स्पून एक्स्ट्रा नहीं रखा, वो हमारा जैसो में चला गया स्पून। ये मैंने फेविकॉल लिया, 50-50 की रेशो लेनी है आपने, 50% फेविकॉल एंड 50% वाटर। ये हमारा होममेड मॉड पॉज है, DIY। ठीक है, थोड़ा सा थिक लग रहा है। चलिए अब हम इसको यूज करेंगे। अब इसको कैसे यूज करना है, आपने कभी भी जैसे इतना अगर ये मेरा ब्रॉड पेपर है तो मैं इकट्ठा फेविकोल लगाकर और इसको इस तरह से स्टिक नहीं करूंगी। ठीक है, एक मिनट में एक मिनट आई में उसको ऊपर से स्मूथ करने के लिए कुछ भी आप पेपर वगैरह कुछ अपने पास रखोगे। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी इसको हम सीधा इकट्ठा पूरा नहीं स्टिक करेंगे, पहले तो आपने कहाँ पर स्टिक करना है। जैसे मेरी इस बॉटल के इस साइड पर ये थोड़ा डिजाइन आ रहा है ना, तो मैं इसको छोड़ के इस साइड पर स्टिक करूंगी। तो मैं पहले इसको लगाकर देखूंगी कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। ठीक है, ये मुझे चाहिए यहां से। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसके पहले दोनों जो लेयर्स हैं इसके पीछे वो रिमूव करूंगी। धीरे धीरे आराम से आपने रिमूव करना है इसको, क्योंकि नैपकिन बहुत पतला होता है, उसके फटने का डर होता है। ठीक है, ये मेरी दोनों लेयर्स इकट्ठी ही निकल गई हैं। ये हमारा नैपकिन है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से हम फेविकॉल लगाना शुरू करेंगे और इसको स्टिक करते हुए आगे आगे फेविकॉल लगाते जाएंगे और इसको स्टिक करेंगे। एक मिनट, ये हमने जो अपना होममेड मॉड पॉज बनाया है उसके साथ हम कर रहे हैं। ये मैंने लिया और मैं इसको इतना एरिया में मैंने पहले इसको स्टिक किया, सॉरी अप्लाई किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस नैपकिन को एक साइड से रखूंगी। मैं आपको कैसे दिखाऊं, आई होप ऐसे दिख रहा है आप लोगों को। मैंने इस नैपकिन को थोड़ा फोल्ड कर लिया ताकि मुझे होल्ड करने में इजी रहे। अब मैं इसको क्या करूंगी, जहां से मुझे स्टिक करना है उस वहां पर आप धीरे से रखोगे इसको, हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाओगे। और हम आगे आगे फेविकॉल लगाते जाएंगे
और पीछे हम इसको, ये मैंने पॉली बैग लिया है। हाँ जी हाँ जी, फेविकॉल एमआर, फेविकॉल एमआर प्लस वाटर 50-50 की रेशियो में। हल्के हाथ से मैं इसको ऊपर से प्रेस कर, ठीक है। अब मैं आगे अप्लाई करूंगी। आपने सारी जगह पर फेविकॉल अप्लाई करना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करना, पूरा एरिया कवर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि फेविकॉल जो है वो नीचे को। हाँ जी, तभी सुमति जी, तभी ये किया है क्योंकि वो रेडीमेड जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। मैं इस तरह से रख लूं, मुझे भी थोड़ा सा हैंडल करना इजी हो जाएगा शायद आप लोगों को। अगेन मैं इसको धीरे धीरे रख रही हूं और इसको हल्का हल्का इसके साथ प्रेस करती जा रही हूं। इसके बीच में रिंकल्स नहीं आने चाहिए आपके वर्क के बीच में। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट रह गया है। इस तरह से आपने जब भी आप नैपकिन को यूज करोगे, हमेशा नैपकिन को थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट करना है। एकदम से अगर आप लगा दोगे तो ये स्टिक होने के बाद उतारना भी मुश्किल हो जाता है कि आप इसको अगर उतारोगे तो इतना पतला है कि ये फट जाएगा। हाँ जी हाँ जी, मैंने व्हाइट कलर किया है आज ना ऊपर से, वो पहले का एक्चुअली ये मेरा बॉटल किया हुआ था। वैसे हमने उसमें हमारा जो मॉडपॉज हमने बनाया था होममेड, सॉरी दूसरा जैसो, उसमें हमने व्हाइट कलर मिक्स किया था, तो जरूरत नहीं है। अगर वो व्हाइट है प्रॉपर तो जरूरत नहीं है। ये देखिए, कहीं से भी कोई भी रिंकल नहीं और कोई भी कहीं से भी बिल्कुल भी फटा नहीं है। आपने हल्के हाथ से उसको प्रेस करना है और इसकी साइड अगर आपको लगे तो आप चेंज कर लेना। कहीं पर अगर आपको लगता है कि फेविकॉल लग गई है तो उसको अपने साइड को चेंज कर लेना और इसको अच्छे से प्रेस करना है सारे को। अब ये आ गया हमारा ऊपर का पार्ट, ये अभी हमने स्टिक नहीं किया है, अब हम इसको स्टिक करेंगे। पहले मैं ये सेंटर वाला कर दूं। अगर कहीं पर आपको लगे, एक और चीज, अगर कहीं पर आपको लगे कि आपका जो पेपर है वो इकट्ठा हो रहा है, नैपकिन जो है वो आप इस तरह से लगा रहे हो, हाँ जी कोई भी ले लो। मैंने आपको लोगों को शुरू में बताया, आप शुरू से वीडियो देखना कविता जी, उसमें मैंने बताया है कि आप लोग शुरू में जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मैं तो कहूंगी कि आप अभी इस नैपकिन को अवॉइड करके कोई मैगजीन का, न्यूज पेपर की कटिंग, कुछ भी आप इस तरह से स्टिक कीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद आप नैपकिन मार्केट से मंगवाइए और फिर यूज कीजिए। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी, अगर आपको जैसे लगे कि यहाँ पर मान लो मेरा ये नैपकिन इकट्ठा हो रहा है ना, अभी जो मैंने कट कर दिया था इसलिए मैं अच्छे से स्टिक कर पा रही हूँ, लेकिन आप अगर आपने कटिंग नहीं की हुई तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्टिक करने से पहले हल्का सा कट दे देंगे, ठीक है। ये मैंने कट दिया, अब मैं इसको पहले यहाँ पर स्टिक कर दूंगी और फिर मैं इस साइड को इसके ऊपर इस तरह से। आपके पूरे वर्क के नीचे जो है वो फेविकॉल होना चाहिए। मॉडपॉज कुछ भी नहीं है दीपिका जी, मॉडपॉज 50-50 की रेशो में वाटर और फेविकॉल एमआर को आपने मिक्स करना है और उसको ये हमने वही हम यूज कर रहे हैं, फेविकॉल एमआर एंड वाटर 50-50 की रेशो में लेके आपने और उसको यूज करना है बस। अगेन मैं फेविकॉल अप्लाई कर रही हूं, यही वाला मॉडपॉज जो हमने बनाया अपना DIY। अब यहां से जैसे ये मेरा थोड़ा सा यहां से बॉटल फोल्ड हो रही है, तो मैं पहले ही क्या करूंगी, यहां पर एक कट दे दूंगी ताकि मेरा नैपकिन जो है वो यहां पर इकट्ठा ना हो, है ना। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पहले इसको स्टिक कर दूंगी,
देन मैं इसको करूंगी। तो यहां पर देखो, जो अगर मेरा नैपकिन यहां इकट्ठा होना था तो वो नहीं हो रहा है, इजिली वो यहां से प्रॉपरली स्टिक हो गया है। ये नैपकिन बहुत पतला होता है, आपने बहुत आराम से बहुत हल्के हाथ से वर्क करना है, बिल्कुल भी इसको ये देखिए। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको नैपकिन को एक और इस साइड स्टिक कर दो, नहीं चाहते फ्रंट में ये रखना है तो इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं। अब ये ठीक है कि अपने आप में ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कुछ चीजें हमारी ऐसी होती हैं जिसमें हमें, जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, ये मेरी बॉटल है जैसे, है ना, इसमें क्या था, मेरा नैपकिन यहां तक है, यहां तक मेरा नैपकिन है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहां पर हल्का सा स्काई था, तो मैंने सेम उसी तरह से मैंने दो कलर्स व्हाइट और ब्लू लेके मैंने उसको ऊपर तक कर दिया और ये ऐसे लग रहा है कि सारा नैपकिन के साथ ही है, है ना, आपको कहीं से नहीं पता चल रहा कि मैंने अटैच किया है। सेम इसी तरह से यहाँ ये जो ट्री है ये यहाँ पर नहीं था तो मैंने इसको कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट किया, है ना, यहाँ पर ये मेरा नैपकिन यहां तक है सिर्फ, इसके आगे मैंने ये दोनों साइड से ये जो बीच का स्पेस है ये मैंने कलरिंग की है, जैसे कलरिंग मेरी यहां पर थी मैंने कोशिश की है कि सेम वैसा ही कलर मैं आगे तक लेके जाऊं और ये स्काई मैंने यहां से यहां तक कर दिया, दूर का स्काई क्योंकि डार्क दिखता है तो ये मैंने थोड़ा सा वो डार्क कलर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने, जैसे मैंने यहां पर ये बीच बीच में इसको एक नेचुरल लुक देने के लिए मैंने बीच में थोड़ा सा ये रेड यहां पर कलर किया है, कलर के साथ ब्रश के साथ मैंने, जैसे मैंने कोई ब्रश लिया उसके साथ मैंने हल्का हल्का रेड कलर से डैब कर दिया, है ना, ये बीच बीच में मैंने ये कलर किया हुआ है, यहां पर नहीं था मेरा, यहां पर मैंने नेचुरल लुक देने के लिए डॉट्स डॉट्स रेड के जो डाल दिए कि जैसे फ्लावर्स लगे, तो उससे क्या होता है कि एक नेचुरल लुक आती है। एक तो हमने ये स्टिक कर दिया, अब ये थोड़ा वेट है, थोड़ा ड्राई हो जाए तो मैं इसके ऊपर आपको करके दिखा देती हूँ, दो मिनट, जब ये सॉरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद अब ये ऊपर से हल्का सा, देखो मैं इसके ऊपर हाथ लगा पा रही हूँ ना, हल्का सा ये क्या हो गया, हो गया। अब हम इसके ऊपर से भी एक कोट जो है इसका, एक कोट हम ऊपर से इस वर्क के ऊपर से इसी मॉड पॉज का हम एक कोट ऊपर से भी देंगे इस तरह से। अगेन आपने लाइट हैंड से देना ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, अपने पूरे वर्क को आपने कवर करना है ताकि कहीं पर कहीं एंडिंग से अगर कुछ कहीं से आपका वर्क छूट भी गया तो वो सारा अच्छे से स्टिक हो जाए। पहले आपने नैपकिन के साथ किसी भी प्लास्टिक शीट के साथ इसको अच्छे से स्टिक करना है, उसके बाद हमने इसको ऊपर मॉड पॉज जो हमने अभी ये बनाया था उसी मॉड पॉज के साथ हमने इसको ऊपर एक लेयरिंग दे देनी है, एक कवरिंग दे देनी है जिससे ये और अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे अपने वर्क को जहां जहां पर मेरा पेपर था मैंने वहां पर इसको स्टिक कर दिया, पूरे के ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। थैंक यू सुमति जी, थैंक यू सो मच। क्लियर है यहां तक सारा? अब जहां ये, अब जैसे यहां से क्या हो रहा है, एक लाइन की एंडिंग हो रही है हमारी, है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर हम लोग छोटे छोटे फ्लावर्स बना करके, छोटे छोटे इस साइड को फ्लावर्स बना करके एडिशन कर सकते हैं थोड़ी सी साइड पर एक नेचुरल लुक देने के। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसी कलर के अंदर, जैसे ये हमारा फ्लावर है, इसी फ्लावर के अंदर आप थोड़ा सा पिंक को दोबारा से दे दीजिए, बीच में येलो है उसके ऊपर हल्का सा येलो कर दीजिए, वो इस तरह से लगेगा जैसे आपने पेंटिंग की होती है ना, इस टाइप से वो लगेगा एक नेचुरल लुक। थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, मैं ड्रायर ले आऊं उसके साथ ही इसको ड्राई करके मैं आप लोगों को अभी करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। आप लोगों को थोड़ी आवाज आएगी, मैं ड्रायर चलाने लगी प्लीज।
का सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको और भी आइडियाज दूंगी डिकोपेज में कि आपने किसी को जब गिफ्ट करना है। हल्का सा हो जाने और बैठे अभी। आपने किसी को गिफ्ट करना है, मान लीजिए है ना, बॉटल्स इस तरह की हमारे घर में कोई ना कोई, या इवन ये प्लेट्स जैसे मैंने आपको दिखाया है कि डिनर प्लेट जो मेरा डिनर सेट वेस्ट हो गया था उसके ऊपर मैंने ये जो डिकोपेज आर्ट किया हुआ है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। आप एक आइडिया में ये देने लगी थी कि आप आजकल कंप्यूटर में हम सब लोग टाइप करके डिफरेंट वे से उसकी सेटिंग करके है ना, किसी का कोई एनिवर्सरी है ये समथिंग लाइक दैट, आप उसको प्रिंट आउट टिक लगाकर उसकी कटिंग करके वो भी आप लगाकर कोई साथ में उनकी ही पिक लगाकर जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो उसका भी प्रिंट आउट एक पिक का निकलवा के आप उसको लगा करके इस तरह से भी कुछ गिफ्ट कर सकते हो। अपने हाथ से बनाई हुई चीज का गिफ्ट करना का मजा ही कुछ और होता है ना। तो ये डिकोपेज सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ डेकोरेट करने के लिए, सिर्फ ऐसा ही, आप उसको जिस मर्जी वे से यूज कर सकते हो। आपको कोई भगवान जी की फोटो कोई इस तरह से कुछ अच्छा लगता है प्लेट में, इसी तरह से जो आपके डिनर सेट्स वेस्ट हो जाते हैं तो आप उनको इस तरह से बहुत अच्छे से यूज करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम इसके ऊपर आते हैं। अब इसमें हम एज इट इज भी रख सकते हैं, ऊपर आप यहाँ पर रोप के साथ इसको कवर कर दो। मॉडपॉज कर सकते हो आप, बट फिर आप ओरिजिनल वाली ही करना क्योंकि पेंटिंग्स हमारी बहुत हमारी मेहनत लगी होती है उसमें, है ना। तो ये छोटे वर्क के लिए तो ठीक है कि हम ऐसा कोई छोटा वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर है, लेकिन इसके ऊपर से मैं फिर अभी मैं पूरी बॉटल को अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से कवर करने के लिए। ये इत्सी बित्सी की वार्निश आती है जो मैं ये यूज करती हूँ बॉटल्स के ऊपर, मेरी ऑलमोस्ट यही यूज होती है। हाँ, जिन पे मैं क्ले वर्क करती हूँ उस पे मैं दूसरी वार्निश भी यूज कर लेती हूँ, लेकिन ऐसी जो बॉटल्स जो बनाती हूँ उन पे ये इत्सी बित्सी की या फिर हमारी कैमलिन वगैरह की भी जो आती है वो भी यूज कर लेती हूँ मैं। नीलम जी क्या पूछ रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी, किसी भी चीज पर कर सकते हैं, किसी भी चीज पर कर सकते हो आप। ये नेपकिन्स जो है ये डिकोपेज नेपकिन्स ही बोलते हैं, आप इनको अमेजोन पे जाके या किसी भी साइट पे आप ऑनलाइन जाके इनको देख सकते हो और वहां से आप बाय कर सकते हो, डिकोपेज नेपकिन्स बोलते हैं इनको। चलिए अब इसके ऊपर मैं आपको बता रही थी एज इट इज भी आप रख सकते हो, इसके ऊपर आप रोप वगैरह कुछ करके कोई बीच में आप कुछ अपने हाथ से ही कोई क्ले का कुछ छोटा सा कुछ बना के फ्लावर या कुछ और मेटल टाइप कुछ उसको लुक देके वो बीच में हैंग करके यहाँ डाल सकते हो। देन इसको हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कलर के साथ, मैं थोड़ा सा वो बता दूं, उसके बाद हमारा सेशन हम आज यहाँ पर एंड करेंगे क्योंकि मैंने सोचा था कि एक ही सेशन में इसको कवर करेंगे, इसीलिए मैंने बेस वगैरह जो है वो बना के रखा था। ये मेरा दूसरा काम चल रहा था एक्चुअली। अब हमारे पास ये है हल्का सा, ये रेडिश पिंक है, येलो है, व्हाइट है ना, जो हमारे ये कलर्स है ना, थोड़ा ब्लू है। मैं ये ब्लू कलर ले रही हूं, ये भी एक्रिलिक कलर ही है ब्रुस्तो का, थोड़ा सा मैं ये लूंगी सॉरी, और थोड़ा सा मैं लूंगी रेड कलर। जब आप रेड एंड ब्लू को मिक्स करते हो तो जो पर्पल हमारा जिसको हम बैंगनी शेड भी बोलते हैं ना वो बनता है ना, तो इसमें थोड़ा ब्लूइश जो टच है वो ज्यादा है, तो आप इसको नेचुरल लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा सा पतला वाला ब्रश लूंगी, राउंड ब्रश है ये मेरा, ठीक है, 4 नंबर। इसके साथ मैं क्या करूंगी, मैंने ये ब्लू लिया थोड़ा सा, यहीं पर ही मैं
ये मैंने ब्लू लिया और ये मैं इसमें हल्का सा रेड मिक्स करूंगी। ठीक है, अब इसको एक और ऊपर से लुक देने के लिए हम बोल रहे थे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा ये ऊपर का जो ये वाला इसका फ्लावर का जो पार्ट है, इसमें आप करो क्या करोगे, हल्का हल्का जहां पर हमारा ये रेडिश है उसमें मैं डॉट्स दे रही हूँ, जस्ट डॉट्स, ज्यादा नहीं कर रही। उसको एक नेचुरल लुक देने के लिए हम सिर्फ इसमें थोड़ा सा अपना कलर को ऐड कर रहे हैं। जहां पर हमारे नैपकिन का एंड है, एक तो वहां पर हो जाएगा थोड़ा सा, आप बीच बीच में इसका एक हल्का सा शेड जो है वो दे सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने करना है, बट आप एडिशंस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहां पर बताती हूँ आपको, जैसे हमने यहां पर ये किया हुआ है ना, तो यहां पर ये मेरा ग्रीन चाह रहा है, मैं पहले थोड़ा सा एक मिनट ग्रीन ले लूं, एक मिनट में ये येलो कर दूं बीच में। ये जहां पर येलो है आप उसपे थोड़ा सा इस कलर को कर दो, आई डोंट नो आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है या नहीं। येलो में मैं हल्का सा ब्लू मिक्स कर रही हूं, बिल्कुल हल्का सा, मैं ग्रीन कलर बना रही हूं एक्चुअली, येलो में थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके। जो कलर भी आपको चाहिए, जैसे लाइट ग्रीन चाहिए तो हम येलो ज्यादा डालेंगे, डार्क ग्रीन चाहिए तो हम थोड़ा सा ब्लू उसमें और ऐड कर देंगे। यहां से एक लीफ जा रही है, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, ये हल्की सी लीफ है, इस लीफ को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इस लीफ को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बनाऊं, मैं चाहती हूँ कि आपको पास करके दिखाऊं मैं, ये मेरे यहां से लीफ जा रहा है, एक मिनट करती हूँ सुमति जी, मुझे थोड़ा सा इसको भी आगे करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वाइट भी मैं निकालू, एक मिनट अभी आपको करके दिखा रही हूँ, एक मिनट। अभी मैंने जो लाइट ग्रीन बनाया था ना, लाइट ग्रीन हमने कैसे बनाया है, ब्लू एंड येलो, येलो में हमने थोड़ा सा बिल्कुल ब्लू मिक्स किया था और वो हमारा लाइट ग्रीन बन गया था। अभी मैंने उसी लाइट ग्रीन में मैंने थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है, क्योंकि मुझे यहां पर थोड़ा सा
उसमें मैंने व्हाइट मिक्स किया। अगर आप चाहो तो स्पॉन्ज का भी यूज कर सकते हो, स्पॉन्ज के साथ भी आप डैबिंग कर सकते हो। जैसे ये जो एंड है इस पर बीच में आप थोड़ा सा जो हमारा व्हाइट एरिया ना, जैसे अगर आपने व्हाइट नहीं रखना है यहां पर इसकी एक एंडिंग करनी है एक्चुअली हमने, बस और कुछ नहीं है, हमने इसकी एक एंडिंग करनी है। जो यहां पर एक लाइन नजर आ रही है हम उस लाइन को नहीं चाहते, तो हम लोग इसको इस तरह से, देखिए फ्लावर जैसे हमने हल्का सा ब्लू का मैंने टच दे दिया है और उसके साथ क्या हो गया, फ्लावर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो ये एक लाइन नहीं लग रही है कि यहां पर एक लाइन के साथ एंडिंग हुई है। अब मैंने क्योंकि यहां पर जो ब्लू दिया है उसी को मैं इस फ्लावर के बीच में भी थोड़ा सा दूंगी ताकि वो अलग से ना लगे, ठीक है। ये फ्लावर की जो हमारी सीधी लाइन थी ये हमने थोड़ा सा यहां पर कलर करके उसको एक, हां जी रंजना जी डिकोपेज नैपकिन होते हैं इनको, डिकोपेज नैपकिन, आप इसको ऑनलाइन चेक कर लेना, ठीक है। इसी तरह से आप आगे जो भी ऐड करना चाहते हो, इस साइड भी अगर आप थोड़ा एडिशंस करना चाहते हो, जहां पर आपका व्हाइट कलर ज्यादा दिख रहा है, आप व्हाइट नहीं चाहते हो, जैसे ये मेरा जो व्हाइट है उसको और मैंने थोड़ा व्हाइट करना है, उसको मैं थोड़ा और चाहती हूँ कि थोड़ा और अच्छे से व्हाइट वो हो जाए, तो मैंने क्या करना है, इसी तरह से ये मैंने थोड़ा सा कलर लिया और जहां पर मेरा व्हाइट कलर का फ्लावर है मैं बाहर से अंदर की तरफ को थोड़ा सा दे दूंगी ताकि उसकी जो डेप्थ है वो बढ़ जाएगी कलर इसकी, व्हाइट कलर की। और इससे एक ये भी लुक आती है कि जिस तरह से आपने पेंट ही किया है इस तरह से लगता है ये। ये देखिए ये वाला व्हाइट फ्लावर है और इस पर हमने हल्का सा कलर कर दिया, डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये हमारा व्हाइट फ्लावर है और ये वाला व्हाइट फ्लावर है, ठीक है। इसमें हमने हल्का सा कलर कर दिया तो उसमें और थोड़ा ज्यादा उभर के आ रहा है हमारा फ्लावर जो है, तो इस तरह से आप इसमें एडिशंस कर सकते हो। जैसे ये हमने फ्लावर जो है वो कंप्लीट कर दिया साइड पे करके ऊपर ग्रीन, इसी तरह से आप नीचे भी हमने ये लीफ कंप्लीट कर दिया। आप इसको और भी आगे चाहते हो या आप नहीं भी चाहते, आप सिर्फ यही कलर्स के साथ इसको पूरा कवर करना चाहते हो, तो आप स्पॉन्ज के साथ यही दो तीन कलर्स के साथ आप क्या करोगे, यही दो तीन कलर्स के साथ आप स्पॉन्ज के साथ इस पर, मैंने ग्रीन रेड व्हाइट तीनों अलग अलग हैं तीनों, इकट्ठे नहीं लिए हैं मैंने, ऐसे ही बस उसमें डैब कर रही हूं मैं। ऐसे ही मैंने उसमें डैब कर लिया, मैं बैक साइड पे करके दिखा देती हूँ। आप इसको पूरे को इस तरह से कवर कर सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा वो हो गया रेड, आप बाकी बॉटल को व्हाइट नहीं रखना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। आप इस तरह से थोड़ी सी इसकी एंडिंग्स जो हैं, यहां पर हमारी नैपकिन की एंडिंग्स है ना, इसी तरह से आप बीच में भी कहीं कहीं पर ये टच दे देना ताकि वो इस तरह से ना लगे कि यहां पर सिर्फ हमने एक आउटर में ही लेयर दी है। बीच बीच में भी आप नैपकिन को कहीं कहीं से ये टच दे देना जहां पर आपको लगता है ज्यादा व्हाइट है। इसी तरह से रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, पीछे कवर करना है उसको, जो भी कलर्स आप ब्लू ज्यादा चाहते हो, रेड ज्यादा चाहते हो, जैसा कलर आप चाहते हो वैसा, आप अगर आप ब्लू चाहते हो तो वो थोड़ा ब्लू ज्यादा आप लेके और उसको कवर कर देना। ठीक है, आप पूरे में नैपकिन लगाना चाहते हो तो जैसे हमने हाफ में लगाया था वैसे ही आप बाकी हाफ के लिए भी नैपकिन रेडी करके और उसको इसके आगे स्टिक कर देना, तो वो पूरे में एक राउंड में हमारा जो है वो डिकोपेज नैपकिन जो है वो लग जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया। ये ड्राई होने के बाद आपने इसको वॉर्निश जरूर करना है, और वॉर्निश हमारी मैंने दूसरी, देखो वॉर्निश जो हमारी जो हम क्ले के ऊपर करते हैं वो मैंने कभी यूज नहीं की है, तो अगर आप लोग वो करना चाहते हो तो आप देख लो, लेकिन मैंने वो यूज नहीं की। मैं हमेशा ऐसी ही या कैमलिन की जो आती है हमारी पिक्चर वॉर्निश वगैरह होती है वो यूज करती हूँ, और या फिर ये इट्सी बिट्सी की, ठीक है, मैंने यही यूज की है। तो इस तरह से डिको पैच करने का मैंने मेथड आपको बता दिया है। शुरुआत आप अपने न्यूज़पेपर कटिंग्स या उससे भी कर सकते हो, अगर आप नेपकिन से करना चाहते हो तो नेपकिन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। आपने किसी को कोई गिफ्ट करना है, आप उसके नाम, उसका नाम टाइप करवा के वो निकलवा लीजिए, आप उसकी पिक्चर अटैच कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर, अगर मैंने किसी को गिफ्ट देना है, ये मेरा ओल्ड प्लेट है, डिनर सेट की प्लेट है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर उसकी पिक्चर लगा दूंगी, प्रिंट आउट निकलवा कर आप पिक्चर का उसी तरह से कटिंग करके आप यहाँ पर पिक्चर लगाओगे। साइड पर आप हैप्पी बर्थडे, उनका नाम, एनिवर्सरी, जो भी आप यहाँ पर कुछ एडिशंस करना चाहते हो, यहाँ पर कुछ हैप्पी एनिवर्सरी इस तरह से, तो आप कुछ भी, आप बॉटल बनाना चाहते हो इसी तरह से आप बॉटल बना सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, आप अपने हाथ से बना करके गिफ्ट दो। और अगर आप बनाओगे तो मेरे साथ जरूर शेयर करना प्लीज, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग क्लास में जो देखते हो और उसको बनाते हो, तो बहुत खुशी होती है कि किसी ने ट्राई किया। तो आप में से जो भी ट्राई करेगा वो प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करना। कोई डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आपको नहीं क्लियर हुई है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है बॉटल, और ये मैंने न्यूज़पेपर में से कटिंग ली थी, ये इतनी छोटी सी बुद्धा की पिक थी न्यूज़पेपर में, तो मैंने उसको लेकर के और बॉटल पे स्टिक करके और उस पर इस तरह से एक्रेलिक पेंट के साथ वर्क किया। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू सो मच। और कुछ कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, इस तरह से भी ये भी चीज बहुत अच्छी लगती है, इसको भी आप रोप को सारे के ऊपर स्टिक करके, और ऊपर से आप ये डिकोपेज नेपकिन ही यूज किया हुआ है मैंने इसके ऊपर, आप इसमें एडिशंस भी कर सकते हो, कुछ डिकोपेज नेपकिन लगाया है साथ में, आप कुछ क्ले वर्क भी कर सकते हो, तो ये आपका माइंड है आप कहाँ तक सोचते हो और कहाँ तक उसको यूज करते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको लोगों को दिखाई थी अभी, एक ये बनाई थी मैंने, इसमें भी ये जो बीच में राधा कृष्णा की फोटो है, ये न्यूज़पेपर में से मैंने कटिंग की थी फोटो लगा करके, और मैंने टेप को छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से लगा दिया, और बाकी सारे में मैंने कलर करके टेप को निकाला, तो ये इस तरह से वो स्पेस बन गया जिसमें से लाइट आ रही है। अभी यहाँ रोशनी है तो पता नहीं चल रहा, नहीं तो ये लाइट इसी तरह से जाती है इसमें से, तो बहुत अच्छी लगती है। आप अपने बच्चों के फेवरेट कार्टून्स को बॉटल पर, या उनका जो आप बॉक्स, उनका कोई बॉक्स है, कोई कोई उनका आपने पेन स्टैंड बनाया है उसके ऊपर उनके कार्टून्स को स्टिक करके, जैसे मैंने ये भी किसी कार्टून की ही, आई डोंट नो, मुझे ज्यादा पता नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में से कटिंग की थी ये भी, तो ये स्टिक कर की थी मैंने जैसे, है ना, तो आप इस तरह से स्टिक करके उनके लिए कोई पेन स्टैंड बना रहे हैं या कुछ भी, आप DIY हम लोग घर में आजकल बहुत करते रहते हैं, तो इस तरह से आप उनको स्टिक कर दीजिए। तो डिकोपैच आप इस तरह से, मतलब एक शुरुआत करके आप नेपकिन्स भी देन आप बाय कीजिए और जरूर बनाइए अच्छे अच्छे आप अपनी पुरानी ट्रेस को, पुराने बोल्स को। ये हमारा जो डिकोपेज था ये फ्रंट से था, ठीक है। एक डिकोपेज रिवर्स डिकोपेज होता है, जिसमें जैसे हमारा अगर कांच का बोल है हमने वो यूज करना है, तो हम उसके ये फेरी लाइट्स बोलते हैं, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ये यहां इसमें सेल डलता है, ये फेरी लाइट्स होती है, ठीक है। तो रिवर्स डिकोपेज भी सेम है, जैसे मान लीजिए मेरा ये कांच का बोल है, तो अभी हमने जैसे यहां पर हमने पहले इसमें क्या किया था कि हमने पहले व्हाइट लगाया था, है ना। रिवर्स डिकोपेज में आप क्या करोगे कि पहले नेपकिन स्टिक करोगे बाहर की साइड, क्योंकि बोल हमने यूज करना है, हमारा कोई सर्विंग का मान लीजिए बोल है आपका कांच का, तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमने बीच में तो खाने के लिए चीज डालनी है, तो हम उसके बाहर क्या करेंगे, पहले नेपकिन लगाएंगे, वो अंदर से हमें नजर आए, उसके ऊपर से हम, जैसे हमने इसके ऊपर वाइट किया है, उसके ऊपर से फिर हम वाइट करेंगे, ठीक है। उससे वो जो हमारा जो प्रिंट है वो बोल के अंदर नजर आएगा, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। उसकी भी क्लास किसी दिन रख लेंगे हम लोग, रिवर्स की भी अगर आप लोग कहोगे तो हम वो भी रख लेंगे, रिवर्स डिकोपेज भी। तो वो बोल वगैरह आप लोग जैसे हम
कोई हमारे घर आता है तो हम लोग रखते हैं ना खाने की चीजें, तो उसके लिए आप सर्विंग बोल्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो बोल्स आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उनको वॉश करने की तो ज्यादा जरूरत नहीं होती, हम उसको वेट क्लॉथ के साथ क्लीन कर सकते हैं ना। जो खाने वाले हमारी यूटेंसिल्स वगैरह उन पे नहीं, लेकिन जो इस तरह की जो हमारी लेस यूज होती है, जैसे सर्विंग बोल्स हैं कांच के हम लोग यूज करते हैं, तो उनके बाहर आप ये डिकोपेज कर सकते हो और वो बोल के अंदर वो सारा जो भी प्रिंट होगा वो नजर आएगा, तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। आप वो भी उस तरह से भी बना सकते हो। तो अभी आप पहले ये ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आप वो ट्राई करना। किसी को भी कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? आई होप क्लियर है आज का सेशन। अगर कोई डिफिकल्टी या कुछ है तो बताइए, नहीं तो फिर हम सेशन क्लोज करें। अब बस अब हम जल्दी ही रखेंगे नेक्स्ट भी, मैक्सिमम कल का दिन शायद ना रखूं, परसों से, परसों फिर हम रखेंगे, परसों हम लोग रख लेंगे, देख लेंगे। या तो वो सीमेंट की ट्रे जो आप लोगों ने बोली थी मुझे, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, मैंने बनाई थी, मुझे ये भी आप में से ही किसी की डिमांड थी सीमेंट ट्रे की। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हो तो हम नेक्स्ट सेशन इसका ही रख लेते हैं, सीमेंट ट्रे का ही। ये मैंने ग्रे सीमेंट से बनाई हुई है, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन हम इसका ही रख लेंगे, ट्रे का नहीं, ट्रे का नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको मैं पहले एक बना के भी रख लूंगी ताकि आप लोगों को सामने फिर उस पर आगे भी वर्क कर सकूं, जैसे इस पे करनी है ना। तो नेक्स्ट कोई और छोटा ही रख लेते हैं, चलो अनाउंस कर दूंगी मैं। किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है, नहीं तो सेशन को क्लोज करें। थैंक यू सुधा जी, और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको मैं बता दूं, जितने भी हमारे फ्री वर्कशॉप्स हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वर्क हैं, आप प्लीज जाके देखिए। विंडो म्यूरल के 21 सेशंस पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि किस तरह से बनाना है, और भी बहुत अच्छे अच्छे सेशंस हैं। आप सब लोग यूट्यूब पे जाइए, इसी नाम से है क्राफ्ट कॉटेज, मैं ऊपर शेयर भी कर दूंगी, आप लोग जाइए देखिए और बनाइए, ठीक है? चलिए ओके। हाँ जी हाँ जी जरूर। ये थी, ये देखिए उसके ऊपर ना ये राधा कृष्णा की फोटो थी, तो मैंने वैसे ही। थैंक यू अमिता जी। और भी हैं बहुत सी लाइट पॉटल्स, मैं एक और दिखाती हूँ आपको, मैंने बनाई हुई है। वैसे मैंने पहले दिखाई थी, बट कुछ न्यू ज्वाइनर्स हैं जिन्होंने नहीं देखी। एक ही मैंने एलिफेंट, सॉरी एलिफेंट बोल रही, लाइन का हेड बनाया था बॉटल के ऊपर, ये भी हमारी लाइट वाली है बॉटल। ये देखिए इसके ऊपर मैंने सीमेंट से वर्क किया हुआ है, ये व्हाइट सीमेंट है इसके ऊपर। किस चीज का टाइम संगीता जी? मेरे जितने सेशंस होते हैं 3:30 पर होते हैं, बट मैं फिक्स नहीं है डेज मेरे एक्चुअली। मैं जब एक सेशन खत्म होता है तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, बट आज तो हमारा एक ही उसमें खत्म हो गया सेशन, तो इसलिए हम जल्दी ही रखेंगे, कल नहीं तो परसों, परसों हम रखेंगे, परसों हमारा पक्का होगा सेशन। मैं अभी अनाउंस कर दूंगी आपको कि किस चीज का है। कल नहीं होगा संगीता जी, परसों रखेंगे हम 3:30 पे, ठीक है? 3:30 पे परसों हम लोग मिलेंगे, मैं अनाउंस कर दूंगी कि नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं। एक ये है, एक ये मैंने बनाया था, एक ये देखिए, एक ये भी हमारी, अभी क्योंकि लाइट यहाँ ज्यादा है तो उसमें कम दिख रही है आप लोगों को, तो ये भी बॉटल है, और भी बहुत सारी हैं अभी यहाँ सामने नहीं पड़ी हुई है, ठीक है? ये हमारा लास्ट सेशन का जो मैंने अभी इस पर वार्निश नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला, ये हमारा लास्ट सेशन में जो हमने बनाया था, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है पहले नहीं देखा, ये हमने लास्ट सेशन में बनाया था, अभी इस पर वार्निश का काम रहता है, तो वो भी कंप्लीट करके मैं शेयर करूंगी फिर पिक आप लोगों के साथ, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, परसों मिलेंगे अब हम लोग 3:30 पे फिर से, ठीक है? टिल देन बाय एवरीवन, एंड प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय।